आप सभी समूह की दीदियों को हमारी तरफ से नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी समूह की दीदियों को हम बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में कुल कितने पद होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर हमारे एसएससी प्रेरणा टीवी चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समूह से संबंधित नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। तो आइए दीदी, आप लोगों को हम बताते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा बने स्वयं सहायता समूह को संचालन यानी चलने के लिए समूह में तीन पदों की नियुक्ति पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। नंबर एक अध्यक्ष, नंबर दो सचिव, नंबर तीन कोषाध्यक्ष। नंबर एक अध्यक्ष, समूह में अध्यक्ष समूह का मुख्य सदस्य होता है। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष समूह की बैठक में होने वाले प्रस्ताव को समूह के सदस्यों के समक्ष रखता है। अध्यक्ष समूह के संचालन की कार्य करती हैं। समूह में लगने वाली सामग्री जैसे कि समूह के रजिस्टर, दरी एवं स्टाम्प पैड इत्यादि रखने की जिम्मेदारी होती है। नंबर दो सचिव, स्वयं सहायता समूह में समूह अध्यक्ष के बाद सचिव का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। समूह सचिव समूह के सदस्यों की पूरी जानकारी एवं उनका लेखा जोखा तैयार करती हैं। नंबर तीन कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष स्वयं सहायता समूह के द्वारा एकत्रित खजाने की रखवाली एवं वित्तीय खर्च की देखभाल करना होता है। तो दीदी, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।